दोस्तों, हरियाणा का रेवाड़ी शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 82 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। यह शहर मुगल शासन की कहानियां, आधुनिक विकास के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति को समेटे हुए है। रेवाड़ी को हिरवाल की राजनीतिक राजधानी, वीर भूमि व सैनिकों की खान जैसी कई उपमाओं से अलंकृत किया गया है। साथ ही दोस्तों, रेवाड़ी अपने पीतल के उत्पादों के लिए भी जाना जाता है, जो देश के अन्य हिस्सों में भी भेजे जाते हैं। रेवाड़ी शहर की उत्पत्ति प्राचीन काल से होती है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का इतिहास महाभारत कालीन नगर है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार लगभग 5500 वर्ष पूर्व यहाँ के शासक राजा रेवत थे। उनकी बेटी का नाम रेवती था, जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम दाऊ से हुआ था। राजा ने विवाह के समय यह नगर रेवती को दहेज में दिया, जो रेवाड़ी को पहले रेवावाड़ी कहा जाता था, बाद में रेवाड़ी कहा जाने लगा। दिल्ली के करीब होने के कारण रेवाड़ी पूरे मुगल शासन में सक्रिय रहा। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है और यहाँ के राव राजा तुल्लाराम थे। साथ ही उन्होंने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। राव राजा तुल्लाराम को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा के लोग 23 सितंबर का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पूरे जिले का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है तथा रेवाड़ी जिले में लगभग 35,000 पूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं है, जबकि लगभग 25,000 सैनिक व सैन्य अधिकारी सेवारत है। रेवाड़ी न केवल अपने समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ घूमने की भी कई जगह है। रेवाड़ी के प्रमुख आकर्षणों में से जैसे कि रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय, बागवाला तालाब, बाबा भैरोनाथ आश्रम, बड़ा तालाब तथा राव तुल्लाराम स्मारक। इसके अलावा रेवाड़ी के धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर बाबा पुरुषोत्तम दास मंदिर, घंटेश्वर मंदिर, कुरवाड़ा का स्तंभ, बाबा रघुनाथ मंदिर, सरगुई मंदिर, भागवत भक्ति आश्रम, श्री राम शरणम, लाल मस्जिद अन्य। इसके अलावा दोस्तों, रेवाड़ी शहर के बारे में और भी कुछ जाने तो यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषा हरियाणवी तथा हिंदी है। साथ ही दोस्तों, रेवाड़ी शहर की कुल जनसंख्या 2,28,000 के करीब है। दोस्तों, यदि बात करें कि रेवाड़ी कैसे पहुंचे तो यहाँ पर हवाई मार्ग का इस्तेमाल करने वाले पर्यटक दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा रेवाड़ी पहुँच सकते है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेवाड़ी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेवाड़ी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रेवाड़ी जंक्शन है, जो भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। साथ ही रेवाड़ी भारत के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा भी जुड़ा हुआ है, जो सड़क मार्ग द्वारा पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए अत्यंत सहज है। दोस्तों, इसी के चलते हुए आज रेवाड़ी अपनी खूबसूरती तथा तरक्की के लिए पूरे विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों, आपको रेवाड़ी के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो बना के लेके आ सके। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।